22 अक्टूबर साल 2008 इंडिया के द्वारा चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया जाता है। चंद्रयान 1 पहली बार इसका ठोस सबूत लाता है दुनिया के सामने कि चांद पर पानी मौजूद है। चंद्रयान 2 का मिशन यहां पर एक रोवर मिशन के तौर पर प्लान किया गया था। अगर वो मिशन एज पर प्लान जाता तो विक्रम लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी और उसके अंदर प्रज्ञान नाम का एक रोवर होता जो चांद पर उतरता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। अब चंद्रयान 3 की बात करी जाए तो उसे लॉन्च किया गया है उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव चंद्रयान 2 नहीं कर पाया पूरा। और विक्रम लैंडर का जो डिजाइन है चंद्रयान 3 में वो मोर और लेस सेम है चंद्रयान 2 से, लेकिन थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करी गई हैं, जैसे कि इसके जो पैर हैं वो और मजबूत बनाए गए हैं, और ज्यादा सोलर सेल्स लगाए गए हैं इस पर, और सेंसर जो है वो इंप्रूव किए गए हैं। टोटल में 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं चंद्रयान 3 में। इन 7 इंस्ट्रूमेंट्स को 7 पेलोड्स भी कह सकते हो। जब रोवर उतारा जाएगा चंद्रयान 3 के द्वारा चांद पर तो उसे सिर्फ 1 लूनार डे का समय मिलेगा अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए। 1 लूनार डे धरती के करीब 14 दिन के बराबर होता है।